क्या तेहरान में युद्ध का सायरन बजने वाला है? इस्फहान में बारूद की बरसात होने वाली है? क्या करज में इजराइल की मिसाइलें गरजने वाली हैं? अहवाज से जंग की खतरनाक आवाजें आने वाली हैं? क्या मशहद पर मिसाइल अटैक होने वाला है? इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग में अचानक ईरान इंटरनेशनल हेडलाइन बन गया है। हमास से हमदर्दी क्या ईरान के लिए सरदर्द साबित होने वाली है? क्या गाजा में छिड़ी जंग तेहरान तक पहुंचने वाली है? ईरान ने इजराइल को खुली धमकी दी है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि नया मोर्चा खुलेगा या नहीं, ये इजराइल के गाजा में एक्शन पर निर्भर करेगा। बड़ा सवाल है, क्या ईरान युद्ध का नया मोर्चा खोलने की तैयारी में है? ईरान के राष्ट्रपति ने मुस्लिम देशों से अपील की है कि वो गाजा के साथ हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को फोन लगाते हैं। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दफ्तर में अचानक फोन की घंटी बजती है। मोहम्मद बिन सलमान फोन उठाते हैं, बात करते हैं। फिर मोहम्मद बिन सलमान मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला फतह अल सीसी को फोन लगाते हैं, उनसे बात करते हैं। इसके बाद सऊदी अरब के प्रिंस जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से भी फोन पर बातचीत करते हैं। सवाल है, आखिर रईसी ने सऊदी के प्रिंस से ऐसा क्या कहा कि वो मिस्र और जॉर्डन फोन लगाने को मजबूर हो गए? सऊदी प्रेस एजेंसी ने जानकारी दी है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने कॉल किया था। रईसी की वो घंटी 7 साल पुरानी दुश्मनी को खत्म करने वाली साबित हुई है। 7 वर्षों का मौन टूटा तो दोनों नेताओं के बीच पूरे 45 मिनट तक लगातार बात होती रही। उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया में जो खबर बाहर आई उसमें कहा गया कि ईरान ने हमास के खातिर अपनी बरसों पुरानी दुश्मनी को ताक पर रख दिया है। इस तरह गाजा को लेकर ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और जॉर्डन एक ऐसे तार से जुड़ गए हैं जिसकी शुरुआत ईरान की तरफ से हुई है। इन 4 देशों के प्रमुखों के बीच हमास के इसराइल पर हुए हमले की चर्चा हुई है। इसराइल के हमलों पर बात हुई और गाजा की बर्बादी पर बात हुई है। साफ है, हमास के खिलाफ इसराइल के एक्शन को रोकने के लिए ईरान ने अपने बरसों के दुश्मन से मदद की गुहार लगाई है। वहीं सऊदी अरब ने अपने नए दोस्त इसराइल को रोकने के लिए अपने पुराने दुश्मन ईरान से हाथ मिला लिया है। इसराइल की फिलिस्तीन से दुश्मनी है, इसराइल की ईरान से दुश्मनी है, वहीं ईरान की गाजा या कहें कि फिलिस्तीन से गहरी दोस्ती है। ईरान और सऊदी अरब दो दुश्मनों के बीच हुए इस नई दोस्ती से अमेरिका भी परेशान है। उसे डर है कि अगर सऊदी ईरान के साथ साथ मुस्लिम देशों से फिलिस्तीन की मदद की तो यह जंग और विध्वंसक हो सकती है। यही वजह है कि अमेरिका ने गाजा के मददगार देशों को युद्ध में कूदने से रोकने के लिए अपने 2 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को इसराइल के पास भूमध्य सागर में पहुंचा दिया है। अमेरिका ने जिन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को इसराइल की मदद के लिए भेजा है उनके नाम है यूएसएस जेराल्ड आर, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस आइजनहावर। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के साथ 12 स्ट्राइक ग्रुप होती है। वहीं यूएसएस आइजनहावर के साथ 2 स्ट्राइक ग्रुप होता है जो हमला करने में मास्टर होते हैं। इनके साथ मिसाइलों से लैस और भी कई घातक युद्धपोत भूमध्य सागर में इसराइल के पास पहुंचे हैं। इसके साथ मिसाइलों से लैस जहाजों का पूरा बेड़ा चलता है। इसराइल के पास भूमध्य सागर में पहुंचे अमेरिका के युद्धपोत अब तक खाड़ी युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध समेत कई जंग लड़ चुका है। दरअसल दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका के इन युद्धपोतों के इसराइल भेजने के पीछे का मकसद हिजबुल्ला और सीरिया को इस युद्ध में शामिल होने से रोकना है, क्योंकि अगर ये भी जंग में शामिल हो गए तो खाड़ी में बहुत ही भयंकर युद्ध भड़क जाएगा। इसराइल और गाजा के बीच चल रही जंग में अमेरिका के साथ ईरान की भी एंट्री हो गई है। ईरान पूरी तरह से गाजा के साथ खड़ा है। वहीं अमेरिका ने इसराइल को मदद देने का ऐलान किया है। इसराइल पर हमले के लिए हमास को समर्थन ईरान से मिल रहा है, खुद इसकी जानकारी हमास के प्रवक्ता गाजी हमद ने दी है। दरअसल ईरान से आने वाली तस्वीरें और वहां के विदेश मंत्रालय के बयान से भी इस बात के संकेत मिल रहे कि ईरान की मदद हमास को इसराइल के खिलाफ की जा रही है। दरअसल इसराइल और ईरान दुश्मन है और इस बात की पूरी संभावना है कि ईरान
हमास की मदद कर सकता है। इसराइल और हमास के युद्ध में ईरान हमास और फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। हिजबुल्ला ने भी हमास का समर्थन किया है। कहा जा रहा है कि इस हमले की प्लानिंग बेरूत में हुई और इस पर हिजबुल्ला ने भी हामी भरी। अमेरिकी मीडिया ने तो यहां तक दावा किया कि ईरान को हमास के प्लान की पहले से खबर थी। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हमास और हिजबुल्ला के सीनियर अधिकारियों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान के सुरक्षा अधिकारियों ने इसराइल पर हमले की प्लानिंग में हमास की मदद की थी। इसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर को बेरूत में एक बैठक में हमले के लिए हरी झंडी दे दी थी। इस पर्दाफाश के बाद ईरान और इसराइल के बीच तनातनी और बढ़ गई है। अगर गाजा से इसराइल की जंग और आगे बढ़ती है तो इसके तेहरान तक पहुंचने में भी देर नहीं लगेगी। ऐसे में अगर इसराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो गया तो वो गाजा की जंग से भी भयंकर साबित होगा। वजह है दोनों देशों के पास हथियारों से भरा गोदाम, एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइलें। अगर ईरान और इसराइल में हम तुलना करते हैं तो ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक ईरान के पास इस वक्त सक्रिय सैनिक है 5,75,000, वहीं इसराइल के पास इस वक्त 1,73,000 सक्रिय सैनिक है। रिजर्व सेना की बात करें तो ईरान के पास इस वक्त है 3.5 लाख रिजर्व फोर्स और इसराइल के पास यह आंकड़ा है 4,65,000। आगे ईरान के पास जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं वो है 90,000, यह आंकड़ा आपके सामने है, और इसराइल के पास 8,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। लड़ाकू विमान इसराइल के पास है 241, तो ईरान भी बहुत पीछे तो नहीं है, 196 उसके पास में लड़ाकू विमान है। इसराइल वर्सेस ईरान आप देख रहे हैं, अगर युद्ध दोनों के बीच होता है तो अटैक हेलीकॉप्टर की अगर हम बात करते तो 48 है इसराइल के पास और ईरान के पास में यह संख्या है 12। आगे बात करते हैं टैंक की, तो 2200 इसराइल के पास टैंक मौजूद है। ईरान के पास में ही बड़ा आंकड़ा है, 4,071 का टैंक है इसराइल के पास में, यह आंकड़ा उसके पास है। बख्तरबंद गाड़ियां 56,290 इसराइल के पास है और ईरान के पास है 69,685 बख्तरबंद गाड़ियां। तो आप सोचिए जरा, दोनों देशों के बीच में अगर जंग हो जाती है तो यह आंकड़ा बहुत कुछ बताता है। वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, ये 3 वीडियो तो बस पान की है। ईरान इसराइल में खौफ भरने के लिए ऐसे कई वीडियो रिलीज कर चुका है। ये वीडियो इसराइल के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। ईरान ने इसराइल को खुली धमकी दे रखी है कि अगर उसने ईरान के सैन्य या फिर परमाणु ठिकाने की तरफ देखा तो उसके शहर तेल अवीव को तबाह कर दिया जाएगा। गाजा में चल रही जंग के बीच ईरान की मीडिया की तरफ से जारी किया गया ये वीडियो एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे ईरान की मिसाइलों ने मोर्चा संभाल रखा है। ईरान के मीडिया के मुताबिक इन मिसाइलों के निशाने पर इसराइल का तेल अवीव शहर था। कहा गया कि अगर ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला हुआ तो इसराइल का शहर तेल अवीव मलबे में बदल जाएगा। इसराइल को धमकी दी गई कि उसके हमला करने वाले विमानों को उतारने के लिए जमीन तक नहीं बचेगी, यानी अगर वो हमला करने के बाद बचकर लौट भी गए तो इसराइल में लैंड नहीं कर पाएंगे। हाल ही में ईरान ने खास परेड कर दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाई। ईरान ने हाल ही में अपनी एक नई मिसाइल खुर्रम शहर 4 को टेस्ट करके बता दिया कि वो इसराइल को मिट्टी में मिला सकता है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकती है। खुर्रम शहर 4 इतनी सटीक है कि ये मिसाइल अपने टारगेट के 30 मीटर के दायरे में गिरती है। 13 मीटर लंबी इस मिसाइल को लॉन्चिंग के दौरान ही खत्म किया जा सकता है, क्योंकि जब ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है यानी टर्मिनल स्टेज में, इस मिसाइल की रफ्तार करीब 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसराइल के किसी भी मिसाइल डिफेंस के लिए इसे रोकना आसान नहीं होगा। ईरान इसराइल की बरसों पुरानी दुश्मनी बहुत ही खतरनाक मुकाम पर पहुंच गई है। वजह बना है ईरान का परमाणु कार्यक्रम और ईरान के हमास के लिए हमदर्दी। दावा किया जाता है कि इसी हमदर्दी के चलते ईरान बरसों से हमास को हथियार मुहैया कराता आया है और अब भी कर रहा है। अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के मुताबिक ईरान ने पहली बार 1980 के दशक में हमास और फिलिस्तीन के साथ रिश्ते जोड़े थे। दावा किया जाता है कि उसी वक्त से ईरान हमास को धन, हथियार और ट्रेनिंग देता रहा है। ईरान ने कई तरह के रॉकेट भी हमास को ट्रांसफर किए हैं, खास तौर पर फज्र 3 और फज्र 5 रॉकेट के साथ साथ सीरिया में बने M302 भी गाजा को दिए हैं। वहीं अमेरिका मिडिल ईस्ट में इसराइल को एक बड़े सहयोगी के तौर पर देखता है। इसकी एक बड़ी वजह ईरान से निपटना भी है। अमेरिका की फॉरेन असिस्टेंस एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी मदद से इसराइल उस इलाके में आसपास के खतरों से निपटने के लिए सैन्य बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहता है। यही वजह है कि इस बार गाजा के साथ इसराइल की जंग में अमेरिका खुलकर उतर गया है।
और अगर जंग आगे बढ़ी तो गाजा और इसराइल को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच भी भिड़ंत हो सकती है।